हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज फिर एक और शेयर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है अलंकित लिमिटेड। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंपनी के बारे में, कंपनी मुख्य रूप से ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस उत्पादों के बारे के कारोबार में है। कंपनी के ई गवर्नेंस व्यवसाय ने कई ई गवर्नेंस परियोजनाओं के सफल समापन के माध्यम से एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड विकसित किया है। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 254 करोड़, स्टॉक पी 22 का चल रहा है, जो कि ठीक ही चल रहा है। ROC 8.13, करेंट प्राइस 11.40 रुपये है, बुक वैल्यू 7.17 रुपये है, जो कि बुक वैल्यू से करेंट प्राइस आगे हो चुका है, लगभग 50% प्लस हो चुका है। ROE 8% है। 52 वीक का जो हाई लो बताता है वह 14.30 रुपया और 7 रुपये लो है। डिविडेंड यील्ड 1.76, फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो चार्ट देखने से जो डाटा दिखाया गया है उसके अनुसार अभी इसका रेट ज़्यादा ही हो चुका है मेरे हिसाब से। और चार्ट अगर देखते हैं तो मैक्सिमम एक साल का, तो लगभग 15 रुपया मैक्सिमम अगर देखा जाए तो चार्ट 80 रुपया है, जो कि 2018 के समथिंग में है। ₹80.65 5 जनवरी 2018 को, तो काफ़ी कम रेट पर मिल रहा है, लेकिन इसका इनकम उस तरीके का नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये उतना बेटर स्टॉक तो नहीं है। इसमें प्रॉन्स और कॉन्स दोनों बराबर हैं। तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं प्रॉन्स और कॉन्स। आगे चलते हैं, इसका पियर्स कंपनी टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट इनकम, ओरेकल फिनसर, पीवी फिनटेक, कपिट टेक्नोलॉजी, कम्फोर्ज, साइंट इत्यादि। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ठीक ही है, 4.85 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया है। सेल्स भी इसका अच्छा खासा है, लेकिन काफ़ी कम हुआ है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। तो इसके हिसाब से तो ये शेयर अभी बेस्ट नहीं है। और इसका TTM जो बता रहा है उसमें EPS माइनस में है। रिजर्व इसका बढ़ता जा रहा है, ब्रोइंग घट रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी घट रहा है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए ये शेयर उतनी अच्छी नहीं है जितना मानना चाहिए। बाकी आप लोग अपने विचार से ही इसमें खरीद बिक्री कीजिए। ओके, एक बार फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप अपने एटीट्यूड के अनुसार ही ज़िंदगी जिए,
और हमेशा ऐसा व्यवहार रखें ताकि किसी भी दूसरे प्राणी को कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।